Hello everyone, this is Nishant. Welcome on my channel. So I'm studying my bachelor's in Germany and I always make videos about history, and by vlogging I always try to give you insight how is life in Germany or in Europe. So as you know that I came in Austria और आज हमारा थर्ड डे है ऑस्ट्रिया में. सो आज हम लोग जा रहे हैं माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए. तो अभी हमें क्या है, यहाँ पीछे से ये स्टेशन है केबल कार का. हमें यहाँ से केबल कार लेनी है, देन वो ऊपर केबल कार वो ऊपर जा रही है और वहाँ से लेके ऊपर जाना है. देन वहाँ पे माउंटेन पे पहुँच के एक प्लेस है और वहाँ पे हम जा क्लाइंबिंग करेंगे. तो मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ. तो चलिए करते हैं साथ में माउंटेन क्लाइंबिंग. लेट्स सी. यू डोंट इवन नो मी लाइक दैट. आर यू पास फॉर टाइम, पुट यू इन माय माइंड. सो हम लोगों ने ये गास्टाइन, इस प्लेस का नाम है बाद ऑफ गास्टाइन समथिंग करके. तो हम लोगों ने यहाँ से केबल कार ली है और यहाँ से हम लोग ऊपर जाएंगे माउंटेन्स की सबसे टॉप पॉइंट पे और वहाँ से तब हम माउंटेन क्लाइंबिंग करेंगे. और मेरे साथ मेरे दो दोस्त भी हैं क्योंकि मैंने कभी की नहीं है लाइफ में. सो इट्स माय फर्स्ट टाइम. तो वो लोग मुझे दोनों बताएंगे कैसे कैसे क्या करना है. मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ कि कैसा होने वाला है. सो अगर आप भी ऑस्ट्रिया आएँ तो आप एक सेंट जॉन्स करके सिटी है, आप वहाँ पर भी कर सकते हैं. बट ये जो गास्टाइन है यहाँ पर भी आप आके ईजीली ढूंढ सकते हैं इस प्लेस को और माउंटेन क्लाइंबिंग कर सकते हैं. So let's see how it's gonna be. I'm gonna share my whole experience with you and I'll show you how is it. So let's enjoy it. So we are just getting ready. You have to turn off. So we just cleared our equipment. Thank you, Ashi. Thank you. Yeah, let's go. Amazing यार, ये मेरा first experience है. But I would say थोड़ा थक तो जाते हैं, थोड़ा सा मतलब जब ऊपर चढ़ते हो आप थोड़ा मेहनत तो लगती है. But amazing यार, amazing. Look at the view. So यार हम लोगों ने वो ब्रिज क्रॉस किया वो केबल के थ्रू और अभी हम जा रहे हैं. ये आपको दिख रहा होगा ना ऊपर वाला ये रॉक, अब इस पर हमें क्लाइंबिंग करनी है. सो चलिए चलते हैं क्योंकि बहुत दूर से वहाँ से हम चढ़ के वहाँ से नीचे आए हैं, घूम के पूरा सर्कल लगा के इधर आए हैं. तो अभी यहाँ से वो पहले से वो जा रहे हैं और हमें ये रॉक पे क्लाइंबिंग करनी है अब. सो चलिए चलते हैं और इन्जॉय करते हैं इसको भी. So I have told you that the last one was really hard, but he is saying that it is one of the hardest. So yeah, you can also see
हमें यहाँ से जाना है पूरा ये घूम के उधर घूम के वो। तो यार फाइनली हम लोगों ने आज की क्लाइंबिंग ख़त्म कर ली अपनी और बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। बट क्या ना था, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो था, काफ़ी जगह हम फिसलने के लिए भी हो गए। बट क्या था कि सारे इक्विपमेंट्स होते हैं ना, तो उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। बट इट वॉज़ रियली अमेजिंग एंड आई वुड लाइक टू गिव यू 2 or 3 सजेशंस कि जब भी अगर आप क्लाइंबिंग करने आएँ तो सबसे पहले आप फिजिकली फिट हों, मतलब पूरे फिजिकली फिट, क्योंकि आपको अगर क्लाइंबिंग करना है तो आपके कहीं नी में या कहीं एल्बो में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर आप कर नहीं पाएंगे अच्छे से। फिर दूसरी बात है कि आप खाने के लिए ऑफ कोर्स लेके ही आएँ कुछ भी, जो भी आपको, जैसे आप किसी भी हिल स्टेशन पर जा रहे हैं, क्योंकि ये सारे माउंटेन से पीछे भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे कुछ खाने वाने का कुछ है नहीं। बट जब आप थोड़ा सा मेहनत करते हैं, थोड़ा क्लाइंब करते हैं, तो क्या हो जाता है कि भूख लगने लगती है और कुछ चाहिए होता है, तो वो दूसरी चीज़ है। और तीसरी चीज़ है कि आपके पास शू अच्छे होने चाहिए, तो फिसलने वाले शूज़ ना हो, थोड़े स्पोर्ट्स शूज़ हों और सही हों, ताकि आप अच्छे से क्लाइंब कर पाओ। तो यार ये थे कुछ सजेशन। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, जब जैसे आप क्लाइंबिंग कर रहे हो तो आप देखो कि अपना पैर किधर की तरफ रखा जा रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम ऊपर दिख रहते हैं और पैर नीचे रखे होते हैं, तो उसकी वजह से फिसलने के चांसेस हो जाते हैं। क्योंकि मैं, हमारी एक फ्रेंड थी, वो भी दो बार फिसल गई। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। वो तो काफ़ी ध्यान से कर रही थी, बट स्टिल तो यही थे कुछ सजेशन आपके लिए कि अगर आप आओगे तो इन सब बातों का ध्यान रखें और आप अच्छे से इन्जॉय कर सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपने इन्जॉय किया हो, मज़ा आया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि फ्यूचर में भी ऑफकोर्स मैं बहुत सारी वीडियोज़ डालने वाला हूँ। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।